जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट से इस सप्ताह कुछ अहम खबरें आई हैं और मैं ये कहूँगा कि ये जो खबरें हैं इनको एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पे निगाहें वो कहीं पे निशाना है जो बाइडन का, निगाहें किस तरफ है निशाना कहीं और लग रहा है, और जब तक आप उसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे और फिर उसको एक ब्रॉड कैनवास के ऊपर अध्ययन नहीं करेंगे, आप उसको समझ नहीं सकते कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है वो किस लिए किया जा रहा है। देखिए, एक बड़ी खबर आती है कि सीरिया में एक फैसिलिटी को यूएस की जो मिलिट्री है उसने एयर स्ट्राइक किया, और ये फैसिलिटी बताई जा रही है कि ये ईरान बैक्ड मिलिशियाज की फैसिलिटीज थी, और यह भी कहा जा रहा है कि 15 फरवरी को जो यूएस की मिलिट्री बेस इरबिल में है, जो कि कर्डिश रीजन है इराक का, और उस पर जो हमले हुए थे रॉकेट से, और उसमें एक नॉन अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर मारा गया था, कई अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स जख्मी हुए थे, यूएस का एक सर्विस मेंबर था वह भी उसमें मारा गया था, वो ये बताया जा रहा है कि यही जो ईरान समर्थित मिलिशिया है उसका हाथ था उसमें। और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए कि सीरिया और ईरान ने इसकी निंदा की, लेकिन निंदा बड़ी कम शब्दों में हुई, एक तरह से खुल के निंदा भी नहीं हुई, बस इतना हुआ कि सीरिया और ईरान के विदेश मंत्रियों ने इस विषय पर चर्चा की, बहुत ज्यादा उस बात को तूल नहीं दी गई। उसके बाद हमने एक डेवलपमेंट देखा कि अमेरिका ने एक लिस्ट को जारी किया जो कि गोपनीय उनकी सूचना थी जमाल खशोगी के मर्डर को लेकर, और इसको पब्लिक किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि जमाल खशोगी, आपको याद होगा कि जमाल खशोगी ये जो थे ये एक सऊदी के रॉयल फैमिली के काफ़ी करीबी थे, लेकिन बाद में सऊदी रॉयल फैमिली से उनका कुछ मनमुटाव हुआ था, 2017 से में ये सऊदी छोड़कर अमेरिका चले गए थे, उसके बाद ये करते थे कि अमेरिका के जो वाशिंगटन पोस्ट है उसमें हर मंथ एक कॉलम लिखा करते थे जिसमें विशेषकर MBS जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया की, उनकी जो कार्यशैली है उसकी काफ़ी निंदा किया करते थे, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों उसको पढ़ते भी थे, काफ़ी लोग प्रतिक्रिया भी देते थे उस पर, क्योंकि जमाल खशोगी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो सऊदी एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीबी थे, लेकिन उसके बाद वहाँ से उनका मनमुटाव होकर जब वे बाहर चले गए, एग्जाइल में चले गए, और उसके बाद यह हुआ कि जब वो सऊदी के टर्की के जो सऊदी कॉन्सुलेट था उसमें जाते हैं कुछ पेपर वर्क के लिए, 2018 में वे एक टर्किश महिला खदीजा चंगेज से विवाह करना चाहते थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क था, और उनको वहीं मार दिया जाता है कॉन्सुलेट के अंदर। अब उसकी जो रिपोर्ट थी काफ़ी हंगामा हुआ था, उसका जो ब्लेम लगा था वह MBS पे भी लगा था, मैं किसी चीज़ के बीच, देखिए सऊदी अरब भी हमारा अलाय है, अमेरिका भी हमारा अलाय है, तो मैं किसी चीज़ की भी मॉरल वैल्यूज़ में नहीं जा रहा ना टिप्पणी कर रहा हूँ, मेरा काम जो है वो केवल इतना ही है कि इसमें क्या हो रहा है उसको समझना और आपको बताना, हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो ये रिपोर्ट पब्लिक हुई उसके में सीधे सीधे ब्लेम किया गया MBS को, जो इंटेलिजेंस की अमेरिका की रिपोर्ट थी उसमें MBS को ब्लेम किया जाता है इस कृत्य के लिए, और जो सऊदी के सऊदी रॉयल गार्ड्स हैं जो बेसिकली एक ये कह सकते हैं कि विशेष आर्म्ड सर्विसेज है वहाँ की, जिनका काम जो है वो वहाँ की रॉयल फैमिली को प्रोटेक्शन देना है, और माना ये जाता है कि उसी के लोग थे जो सऊदी से टर्की गए थे इस्तांबुल, वहीं पर उन्होंने इस कृत्य को, जमाल खशोगी वाले कृत्य को अंजाम दिया था। तो 76 जो सऊदी नागरिक हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए अमेरिका के द्वारा। आप देखिए, ऐसी चीज़ में जब कोई फॉरेन नागरिक है, या तो अमेरिका
के कानून के हिसाब से उसको एक्सट्रेडेट किया जाए, या फिर उस पर अमेरिका सेंक्शन दो प्रकार के लगा सकता है, या तो उसको वीज़ा एंट्री उसकी बैन कर दी जाए और वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में जो उसके एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर लिया जाए। अब इसमें उन्होंने अभी एक ही टाइप का सेंक्शन लगाया है कि वीज़ा एंट्री उनकी और उनके परिवार के लोगों की बैन कर दी गई है। तो पहली बार लेकिन दिख रहा है कि कभी अमेरिका ने अपने क्लोज अलाई सऊदी अरब के ऊपर कोई सैंक्शन लगाए। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके समय तो एमबीएस की सीधी एक्सिस थी व्हाइट हाउस को, और विशेषकर जेरेड कुशनर जो कि उनके सीनियर एडवाइसर थे ट्रंप के और उनके दामाद भी थे, उनके साथ बड़े अच्छे मित्रतापूर्वक उनके संबंध थे। लेकिन अभी तो जब उन्होंने बात की जो बाइडन ने, तो उन्होंने एमबीएस से बात भी नहीं की बल्कि उनके पिता किंग सलमान से बात की है। तो मतलब कुछ वह शो कर रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एमबीएस के ऊपर काफी सख्त रवैया अपनाएंगे जो बाइडन, मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि दोनों कंट्रीज के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। यदि मिडिल ईस्ट में अमेरिका कुछ करना चाहता है तो बिना सऊदी अरब की सहायता के, बिना सऊदी अरब के सहयोग के उसके लिए करना बहुत टेढ़ी खीर है। जहां तक सऊदी अरब की बात है, सऊदी अरब भी जो बाइडन से चाहे अच्छे संबंध नहीं रहे उसके, लेकिन वह भी जैसे तैसे बाइडन का पूरा कार्यकाल निकाल ही लेगा, और निकालने के अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचता है क्योंकि अमेरिका और अमेरिकन अलाइज के ऊपर सऊदी अरब की इतनी ज्यादा निर्भरता है डिफेंस को लेकर, चाहे अमेरिका की हो पर हो, ब्रिटेन पर हो, दूसरे अलाइज कंट्रीज के ऊपर हो, कि सऊदी अरब चाहकर भी दूसरे जो पोल से रशिया हुआ या चाइना हुआ उनकी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता। तो दोनों तरफ से एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसी चीज में नेशनल इंटरेस्ट दोनों जगह पर साफ साफ साबित होंगे। और यही कारण है कि एमबीएस के ऊपर किसी प्रकार का भी सेंक्शन नहीं लगे हैं। सेंक्शन दूसरे 76 सऊदी नागरिकों पर लगे हैं। एमबीएस पर के ऊपर केवल रिपोर्ट को पब्लिक की गई लेकिन किसी प्रकार का सेंक्शन नहीं लगाया गया। अब क्या प्रश्न उठता है कि क्या जमाल खशोगी के लिए सब हो रहा है, आपको लगता है? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि एक व्यक्ति कोई भी हो उसके ऊपर नेशंस इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करते हैं अंटिल एंड अनलेस कि वो व्यक्ति उस नेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उसके पीछे एक रीजन हो, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स रीजन हो। और मुझे लगता है कि इसमें दोनों चीजें हैं, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, क्योंकि उनके जो जो बाइडन के बहुत सारे लेफ्ट लीनिंग समर्थक हैं वे इस चीज से खुश होंगे कि जमाल खशोगी को न्याय मिले, वे इस चीज को पसंद करेंगे कि एमबीएस के ऊपर थोड़ी सख्ती दिखाई जाए। और जियोपॉलिटिक्स भी इसमें, जियोपॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कोहेसिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं जो बाइडन। पहले हमला हुआ ईरान समर्थक मिलिशिया के ऊपर सीरिया में जाकर, लेकिन ईरान ने ज्यादा चूचांक नहीं की उसमें, ना सीरिया ने ज्यादा कुछ बोला, मतलब कहीं ना कहीं ईरान को दबाया गया। और दूसरा, रिपोर्ट पब्लिक हुई एमबीएस के ऊपर, सैंक्शन लगे सऊदी के लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं सऊदी पर प्रेशर बनाया गया। अब ये प्रेशर क्यों है, क्योंकि जो बाइडन चाहते हैं कि अमेरिका वापस ईरान के साथ जो जेसीपोआ है, जो उनकी परमाणु संधि थी जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल लिया था, वापस एंटर हो जाए। लेकिन एंटर जो होना है उसमें बाधा कौन बन रहा था, सबसे बड़ी कोई बाधा थी सऊदी अरब, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो नहीं चाहते कि अमेरिका वापस उसमें एंटर हो। तो सऊदी अरब को एक कड़ा मैसेज दे दिया कि ज्यादा आप बोलोगे तो हम आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। सऊदी अरब को जो मैसेज गया वो कहीं ना कहीं यूएई को भी मिल गया, वो कहीं ना कहीं इजराइल को भी मिल गया। तो इन लोगों को भी कि थोड़ा आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा, इससे पहले क्योंकि ये अलाइज हैं अमेरिका के, इससे पहले जो अलाइज नहीं है ईरान उसको एक मैसेज दिया कि आप भी ज्यादा कड़क नहीं बन सकते, आपको कहीं ना कहीं इन तीनों की बातें मानना होगी, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो कि उनका जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है ईरान का,
उसको कहीं ना कहीं कर्टल करना होगा। अब कर्टल कितना करेंगे इस पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी देश जब अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट करता है या अपने दूसरी मिलिट्री इक्विपमेंट का डेवलपमेंट करता है, वो यदि वो प्रतिबद्ध हो कि मुझे अपने नेशनल सिक्योरिटी के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकते। क्योंकि आप याद कीजिए कि भारत के ऊपर एक समय में कितना ज़्यादा न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो NPT थी उसको साइन करने के लिए कितना प्रेशर था अमेरिका का, लेकिन भारत ने नहीं किया तो नहीं किया। तो यदि कोई राष्ट्र ये सोच ले कि हमको ये चीज़ डेवलप करनी है, ठीक है, वो हो सकता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद कर दे, लेकिन क्या बैलिस्टिक पे भी मानेगा? मुझे नहीं लगता। वो मानेगा भी तो कितना मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो कंसेशन देगा हुआ सऊदी अरब, इसराइल और UAE को भी, क्योंकि अमेरिका ने उसको भी एक मैसेज दिया है सीरिया में हमला करके कि यदि आप नहीं माने तो हम टेढ़ी उंगली आपके ऊपर भी करेंगे। और सऊदी अरब के थ्रू UAE इसराइल को भी दे दिया और सऊदी अरब को भी दे दिया कि आपके ऊपर भी हमारी जो आंखें हैं वह टेढ़ी हो सकती हैं। तो दोनों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है कि ईरान, सऊदी, इसराइल और UAE की बात सुने, और ये तीनों कहीं ना कहीं ईरान के प्रति, ईरान और US की जो संधि है न्यूक्लियर ट्रीटी JCPOA जिसको कहते हैं, उसके प्रति सख्त रुख नहीं अपनाए। तो मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेसी की भाषा में बोलते हैं कोहेसिव डिप्लोमेसी, ये वही चल रही है। और इसका मतलब यह है कि जल्दी ही हो सकता है 6 महीने की फ्रेमवर्क के अंदर अमेरिका वापस JCPOA में आएगा। इसका भारत को फायदा मिलेगा क्योंकि हमको जो सस्ती कीमत पर तेल मिलता है ईरान से वो वापस मिलना शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत।